नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास पैनासोनिक कंपनी का एक एसी का पीसीबी आया है। तो इस पीसीबी का प्रॉब्लम जो है, इसमें कोई लाइन नहीं आ रहा है, डिस्प्ले पर कोई लाइट वगैरह नहीं चल रहा है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक कैसे कॉर्ड देखिए, पहले से मैं इसमें लगा दिया हूँ। अब इसको हम लाइन देंगे और वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने इसको पावर दे दिया, यहाँ पर देखिए ऑन कर रहा हूँ तो यह ऑन नहीं हो रहा है। देखिए रिमोट से भी ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए ये भी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले इसको वोल्टेज को चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एसी वोल्टेज को देख लेते हैं, हमारा एसी वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए तो देखिए दोस्तों, 229 वोल्ट हमारा आ रहा है एसी इनपुट पर। अब हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज को चेक करेंगे कि डीसी हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते, तो देखिए हमारा 312 वोल्ट यहाँ पर हो रहा है। देखिए 12-13 वोल्ट हो रहा है, 300 हमारा डीसी वोल्ट ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर दोस्तों ये टेस्टिंग पॉइंट है, तो ग्राउंड को हम ग्राउंड में रखेंगे। देखिए देखिए ये वाला 5 वोल्ट प्लस, ये वाला हमारा ग्राउंड है। तो देखिए देखिए मीटर को 20 रेंज पे सेट कर दिया मैंने। तो देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट हमारा ओके है, यहाँ पर हम चेक करेंगे 12 वोल्ट पर चेक करेंगे तो देखिए हमारा 12 वोल्ट भी ओके, ठीक है? उसके बाद हम चेक करेंगे इस ग्राउंड पे रख के, इस क्रिस्टल पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज ठीक ही है इनपुट पे, आउटपुट पे वोल्टेज देखिए। देखिए इनपुट पर वोल्टेज है, आउटपुट पर नहीं है। देखिए एक क्रिस्टल हमारा खराब हो चुका है यहाँ पर। देखिए और एक दोस्तों एक बात देखिए, यहाँ पर 320 वोल्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर 320 वोल्ट हो रहा है, देखिए 314-15 वोल्ट हो रहा है यहाँ पर, 15 वोल्ट देखिए बन। देखिए यहाँ पर देखिए 20 वोल्ट हो रहा है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट हो रहा है, 15 वोल्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आईसी चालू नहीं है इसलिए यहाँ पर 15 वोल्ट हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है? ये आईसी जब चालू होगा, ये माइक्रो कंट्रोलर जब चालू होगा तो यहाँ पर 15 वोल्ट हमारा मिलना चाहिए। तो चलिए हम इस क्रिस्टल का चेंज करके देखिए, देखते हैं पीसीबी ऑन होता है कि नहीं होता है, ठीक है? चलिए हम इसको पावर खोल देंगे और इसका क्रिस्टल को हम बाहर निकल लेंगे। चलिए हम क्रिस्टल को बाहर निकल, तो देखिए दोस्तों ये क्रिस्टल को हम बाहर निकल दिया। देखिए ये हमारे पास और एक दूसरा क्रिस्टल है, इसको हम लगाएंगे। ये हमने अलग दूसरी बोर्ड से खोला है, तो अब हम यहाँ पर ये लगाएंगे, ठीक है? तो चलिए इसको हम रख देते हैं, इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर रखते हैं इसको, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे। चलिए अब हम इसको सोल्डरिंग करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, हम इसको लगा दिया, अब हम इसको पावर देंगे, उसके बाद देखेंगे एक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इसको पावर देते हैं। तो चलिए हम पावर इसमें दे दिया, तो देखिए पावर आ गया। हमारा प्रॉब्लम था इस क्रिस्टल का प्रॉब्लम था, ठीक है। देखिए हमारा पावर भी आ गया, हम इसको अब रिमोट से ऑन करेंगे। देखिए ऑन कर दिया, अब हम यहाँ पर 15 वोल्ट चेक करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर 15 वोल्ट सही आ रहा है, ये हमारा पीसी बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा छोटा सा एक फॉल्ट था, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बनाया, ठीक है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। देखा होगा अगले वीडियो में, तो उतने दिन धन्यवाद दोस्तों।